लिंग की लंबाई और उसका महत्व, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञों महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो के बारे में आपको कुछ भी सवाल होंगे तो हमारा फ्री ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळकर नाम का ऐप है और इसमें आपको कभी सारे वीडियोज मिलेंगे। आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं उसमें और ऑनलाइन सेक्स का कोर्स भी उसमें उपलब्ध है। लिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। कभी सारे लोग आते हैं कि नहीं हमारा लिंग छोटा है, उनको यह फिक्र रहती है कि मैं मेरे पत्नी को सुख दे सकूंगा कि नहीं दे सकूंगा, क्या मैंने शादी करना कि नहीं करना। जब वो लोगों का देखता है तो उसको लगता है कि नहीं मेरा छोटा है। लिंग की लंबाई जो है तो शिथिल अवस्था में लिंग की लंबाई 1 से 2 इंच रहा तो भी वो नॉर्मल है, नॉर्मल है 1 से 2 इंच जब शिथिल अवस्था है तो। और जब सेक्स करता है तो होता क्या है कि कम से कम 150 से 200 ml मतलब आधा एक पाव खून लिंग में उसका प्रवेश होता है, खून का प्रवेश। जैसा स्पंज रहता है तो स्पंज पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है, वैसा लिंग में पूरा स्पंज जैसा स्नायु है तो जैसा उसमें पूरा खून घुस जाता है, वो मोटे हो जाते हैं स्नायु और 4 से 6 इंच की लंबाई बाद में होती है और वो कड़क भी होता है जिसके वजह से योनि में उसका प्रवेश होता है और प्रवेश होकर वो सेक्स एंजॉय कर सकता है। लिंग की लंबाई, व्यक्ति का कद कितना है, वो काला है कि गोरा है, उसके माँ बाप कितने कद वाले हैं, मतलब ऐसा कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उससे कुछ फर्क भी पड़ता नहीं है। क्या होता है कि स्त्री का, स्त्री के योनि का जो बाहरी हिस्सा है 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक, तो वो हिस्सा सेंसिटिव रहता है, वो हिस्सा सेंसिटिव रहता है बाहरी 1 से 1.5 इंच का हिस्सा, उसको वहीं सेंसेशन आता है। तो लिंग 1 से 1.5 इंच भी रहा तभी उसको सेंसेशन आएगा और वो एंजॉय कर सकती है, अंदर सेंसेशन है नहीं योनि में। तो लिंग कितना भी लंबा और बड़ा रहा तभी अंदर सेंसेशन है नहीं तो फिर उसका फायदा भी नहीं। तो लिंग का साइज और लंबाई जो है वो 1 से 2 इंच, सेक्स करने के समय 4 से 6 इंच और उसका बाकी कोई भी दिमाग के ऊपर टेंशन लेना नहीं है, लोड लेना नहीं है, उसका इतना ही महत्व है कि सेक्स कर सकते कि नहीं कर सकते। और सेक्स करने के लिए वो कठोर होना जरूरी है और कठोर होने के बाद में ही आप सेक्स कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये है हमारे बोलने का मतलब नहीं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोगों के दिमाग में जो विचार है कि नहीं मेरा लिंग छोटा है और परेशान है, लड़के लोग बहुत परेशान है, उनको लगता है कि मैंने हाथ से किया है, हस्तमैथुन किया है, बहुत वीर्य निकल गया और हस्तमैथुन किया करके वो छोटा हो गया है, तो उससे जो दिमाग में उनको लोड आता है, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, तो सब निकल जाएंगे। वीडियो शेयर करने के लिए, बार बार हमारे वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।